मंदसौर में पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए एक साल बाद भी ग्रामीणों के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। वहीं 1 जून से फिर किसान आंदोलन होने जा रहा है, जिससे रतलाम के डेलनपुर गांव के रहवासी दहशत में है। जिन लोगों ने गांव में आकर उपद्रव किया और लोगों को भड़काया गया, उनके खिलाफ ग्रामीणों में घोषणा व्याप्त है। वहीं गांव की हुई बदनामी के कलंक को मिटाने के लिए ग्रामीणों ने नई पहल की है। ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर फैसला लिया कि 1 से 10 जून तक चलने वाले इस आंदोलन के दौरान गांव के युवा घर बैठे लोगों को जरूरत के हिसाब से दूध और सब्जी फ्री में उपलब्ध कराएगा और गांव का कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को गाँव में नहीं आने दिया जाएगा। बढ़ती है अगली खबर की ओर। मंदसौर के नगर पालिका सभागृह में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 जून को प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर रावत ने कहा, आंदोलन किसानों का नहीं है बल्कि कांग्रेस का है, जो कि प्रदेश के भोले भाले किसानों की आड़ में वोट की राजनीति कर रही है। और ये जो आंदोलन का जो प्रयास हो रहा है, कांग्रेस जो है किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक नौकरियों के लिए काम कर रही है।